मुझे ये पूछना है कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजोरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करी, ओके ओके, एक सेकंड, आशुतोष वर्मा बताइए कि माइनॉरिटी के हक की बात होती है, मेजोरिटी के हक को मारने की बात होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विश्वविद्यालय बनाया कभी भी नहीं, आजम खान को आमरण जन्म तक उसका चांसलर बना दिया, बनाने भी भाई चांसलर का नाम ले रहे हैं। ये सत्य प्रकाश मिश्रा सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ऐसा हुआ था? नहीं, जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये सत्य प्रकाश मिश्रा ने सत्य बोला या झूठ बोला? हमारा जो हमारा जो संविधान है वो इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, इस बात को समझिए। उसकी नींव की पहली ईंट ही यही है। और समाजवादी पार्टी लड़ाई है। देश में दलित के सरकारी नौकरी के प्रमोशन में सबसे बड़े विरोधी थे, बताइए आज, बताइए गलत नहीं, आपने विरोध किया था हर समय, इस बात को गलत तथ्यों से पोट किया था, कभी भी नहीं किया था। कभी भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण रोका नहीं था, उसका विरोध किया संसद में, गलत है। क्या बात कर रहे हैं? विरोध नहीं किया, विरोध किया था, वहाँ पे विरोध किया था, विरोध किया था, गलत, यही प्रदायित है। ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का, ये देखिए लेके आया हूँ। इसमें एक लाइन है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बच्चियों को हम वजीफा देंगे और हिंदू बच्चों को नहीं देंगे, सिख बच्चों को नहीं देंगे, क्रिश्चियन को। क्यों भैया, क्यों क्यों? अरे आप पढ़ लो, अरे एक मिनट, क्यों भैया, क्यों भैया, यही होता है, यही होता है। वो करण लिखा, वो करण लिखा हुआ है, सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं भैया। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। गलत क्या? क्या ये संवैधानिक है? आप क्या है? मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 गलत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप धर्म के आधार पे भेदभाव कर नहीं सकते, ये संविधान के टैक्सेशन लेते वक्त या जब पैसा ले रहे हैं हम, उस वक्त पे आप जातिवाद क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसमें रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? ठीक 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 है, आप कह रहे मतलब टैक्सेशन में भी जातिवाद होना चाहिए, ये एक अलग ही डिमांड आ रही है। लेकिन लेकिन मैं आप सबको मौका दे रहा हूं, आखिरी 5-5 सेकंड, और मेरा निवेदन है 5-10 सेकंड में कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। ओके विवेक जी, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न था जो उन्होंने पूछा। देखिए, जब एक बार बच्चे को आपने रिजर्व कैटेगरी की वजह से पढ़ने का मौका दिया, लेकिन जब वो बाहर आकर के नौकरी करता है तो सबको टैक्स उतना ही देना पड़ता है, आप समझे? अगर आप बिजनेस करेंगे, आप किसी भी जाति के हैं, टैक्स आपको सेम देना पड़ेगा। टाइम खत्म, टेन सेकंड। छोटे भाई ने बोला जो जीएसटी सिस्टम है ना, उसमें आप 100 रुपए कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, उसमें सबको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी हो, इक्वली टैक्स, इवन जीएसटी से ज्यादा। यू मेड योर पॉइंट, इनकम टैक्स से 19%। ओके गौरव, गौरव गौरव गौरव